नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार के डिजिटल क्रांति के पायनियर और नंबर वन डिजिटल चैनल न्यूज बिहार। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर बिहार में चुनाव प्रचार का दौर लगातार जारी है। पटना में अमित शाह के रोड शो के बाद अब अमित शाह को जवाब देने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पटना आ रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में रैली करने 16 मई को पटना पहुंचेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बिहारी बाबू के लिए पटना की सड़कों पर रोड शो करने पहुंचेंगे और उनको जिताने के लिए अपील करेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 16 मई को रोड शो करने शाम 5 बजे गांधी मैदान पहुंचेंगे, जो कि वहां से शुरू होकर पटना के मुख्य मार्गों से होते हुए एयरपोर्ट तक जाएगा। बता दें कि इससे पहले वो विक्रम में एक जनसभा करेंगे, जिसके बाद रोड शो का कार्यक्रम प्रस्तावित है। गौरतलब है कि दो दिन पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पटना आए थे और उन्होंने वहां बीजेपी प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद के लिए रोड शो किया। उनका रोड शो कदम कुआं से लेकर गांधी मैदान तक चला था। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ये रोड शो अमित शाह को जवाब देने के लिए कर रहे हैं। इन सब के बीच खास बात यह है कि लगातार बहुत सारे बयानबाजी चल रहा था बिहार की राजनीति में। कहा जा रहा था कि महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है, दो फाड़ में बटी हुई है आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन में। अब सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी के इस रोड शो में एक मंच पर एक गाड़ी पे दिखेंगे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव। जिस तरीके का बयानबाजी और विवाद बताया जा रहा था तेज प्रताप यादव और तेजस्वी में, उससे एक बात तो तय है कि राहुल गांधी के इस रोड शो के बाद कहीं ना कहीं भाजपा समेत पूरा एनडीए बैकफुट पे होगा, क्योंकि युवाओं की बात होती है और 16 मई को देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जब रोड शो होगा तो उस रोड शो में क्या तीन युवा एक साथ अमित शाह के किए गए रोड शो और रविशंकर प्रसाद के लिए निकाला गया जो रोड शो था उसे जवाब देते हुए शत्रुघ्न सिन्हा की प्रत्याशी को पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में मजबूत कर पाते हैं या नहीं। खबरों का सिलसिला न्यूज़ बिहार और भारत लाइव पर चलता रहेगा। जुड़े रहे भारत लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।